बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं मैखलिया बना रही हूँ। देखिए, ये 1.5 किलो गोश है, 2 प्याज के डलियाँ, खोपरा, तिल, कलौंजी, रई है, देखिए ये पीसने का है, ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, फल्ली के बीज, आधा कट्टा पुदीना, आधा कट्टा कोतमीर, 4 हरी मिर्ची, थोड़ा करियापाक है, देखिए इमली है, अदरक लहसुन, मिर्ची, हल्दी, नमक, ये बघार का जीरा है। अब मिक्सर में डाल के पीस ले रही हूँ। देखिए खोपरा है, ये फली, ये पहले भून ली थी, देखिए मैं पूरे चीज़ें ये भून के मैं फ्रिज में रखती हूँ, एकदम पकाने आसानी होता बल्कि। तिल डाल रही हूँ, देखिए प्याज है 2 डल्ली, अत कच्ची है, देखिए ये ज़्यादा लाल नहीं करना प्याज को, एकदम अपन ऐसा एक थोड़ा तेल डाल के ये कर लेना। उसमें राई है, थोड़ी कलौंजी है, देखिए पीस ली, और थोड़ा पानी डाल के मैं पीस रही हूँ मिक्सर पे 6000, उसके अंदर पीस के बता रही हूँ मैं आप लोगों को, मतलब पूरे एकदम डाले तो कैसा पीसे जाता है बोल के समझते बहुत जने। ये देखिए बारीक होगा, देखिए पूरा तो खचखच के वास्ते नहीं प्रॉब्लम रहता अपन को, तो ये पूरे चीज़ें खोपरा फल्ली तिल डालते ना जल्दी पीसे जाता। 3 चमचे डाल रही हूँ इसमें मैखलिया में, प्याज जितना अच्छा डाले उतना अच्छा ज़बरदस्त होता समझो, तो मैखलिया में अच्छा डाला। मैं ज़ीरा डाली देखिए इसके अंदर, थोड़ा करियापाक डालती हूँ, तो ये हैदराबादी मैखलिया है, देखिए स्पेशल मैखलिया हैदराबाद में हर आदमी 15 दिन में 10 दिन में बनाते बहुत खास से खाते बहुत लोग। तो गोश्त डाल रही हूँ देखिए मैं इसके अंदर, तो ये पतला करके गोश्त पतला मंगाना, एकदम घट रहता ना वैसा मैखलिया का गोश्त जो बोले तो देता गोश्त वाला खुद, अपन अपने कुछ हिसाब से मंगा लेना समझो, मैखलिया बना रहे पसंदों का अलग रहता पतला, तो ये अपन लोग कुकर में नहीं बनाते ना, मैखलिया हंडी में देखचों में इसमें बना लेते हैं। बहुत जने क्या करते कुकर में लगा के वो गला के उसमें इसमें बोले तो एकदम अलग अलग रहता है। देखिए तेल में तले भर पानी छुट के पूरा सूखा हो जाता, देखिए अच्छा भून लेना उसको। मैं तेज़ करके कम कर डाली इसमें, कई को बोले तेज़ करके कम, कई को करी बोले तो गोश्त का पानी पूरा छुड़ता बोल के। अदरक लहसुन डाली देखिए इसके अंदर, अदरक लहसुन, अब मैं मिर्ची, नमक, सौंफ डाल देती हूँ इसके अंदर, बहुत अच्छा पूरा मिले जाता पूरा डाल देती हूँ। देखिए नमक, हल्दी, फिर बोले तो मिर्ची पूरा डाल के मिला लेना, अच्छा बहुत ज़बरदस्त बहुत मस्त रहता है खाने के वास्ते, खाने के साथ खा लो आप, रोटी के साथ खा लो, अच्छा मिला लेना ऐसा, जितना मिलाए ना उतना मज़े का होता सालन। तो ये देखिए पूरा होगा, अब मैं इसके अंदर पूरा गोश्त का पानी अलग भी तेल में भी तल के अलग होगा था, फिर उसके अंदर नमक मिर्ची डाले बाद भी पूरा ये होगा। देखिए अब मसाले डाल रही हूँ पूरे पीसेसों में, तो मसाले जितना अपन ये मसाले रहते ना मसालों के सालने कोर में बघारे बैंगन मिर्चियों का सब रहता, देखिए जितना अपन लोग भुन के बनाए उतना ज़बरदस्त होता हो, भुनने में रहता है कम से कम 1 घंटा लगता है देखिए सालन बनने के वास्ते ना अपन पूरा करे तक। इसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर है देखिए, तो नमक मिर्ची वो मसाले डाले बाद मैं बाद में से एक बार भुने के बाद पूरा मसाले उसके ऊपर डाल रही हूँ मैं, तो कितना भुने गए उतना अच्छा है देखिए। ये कम से कम देखिए 35 मिनट में पकिया देखिए सालन, 1 घंटे को कुछ 5 मिनट ही कम, 1 घंटा सम, तो मसाले पीस लिए कर लिए तक पूरा चूल्हे पे चढ़ाए तक वो ये कर रहे थे कि 1 घंटे में बनता है अच्छा भुनना मसाले बो नहीं आए तक, तो अपने को ये बाहर रखे तो भी मसालों का सालन इतना ज़बरदस्त रहता कुछ पूछना नहीं। ये देखिए कैसा भून रही हूँ मैं, कम से कम इसको 5 मिनट तो भुनी देखिए मसाले को मैं, नॉनस्टिक में बनाए तो अपने को क्या है उछलता भी नहीं ज़्यादा, जितना भुने गए मसाले उतना अच्छा रहता। नॉनस्टिक में अगर मसालों का सालन अपन बने ना तो एक अपन सिल्वर के भगोने में उसमें हंडियों में बनाते देखिए बहुत उछलता। इमली है देखिए, इमली तो आपके हिसाब से डाल लेना, मैं एकदम कम डाल रही सालन में इमली, तो 1-2 छटाक की उत्ती डाली देखिए, कई को बोले तो इसमें सालन मीठा खट्टा बहुत ज़बरदस्त रहता है। मैं खलिया पानी डाल रही देखिए मैं, तो पानी 1 गिलास 1.5 गिलास को, तो अपन पतला भी कर सकते अपने हिसाब से, घट भी कर सकते, मैं खलिए के हिसाब से करके बता रही मैं आप लोगों को। ये देखिए बन गया, अब दम पे छोड़ देती हूँ मैं, तो मैं खलिया पसंदे ये पूरे चीज़ें हैदराबादी चीज़ें हैं देखिए, अपने को प्योर हैदराबाद वाले रहते ना तो वो लोग बना के कम से कम 8 दिन में 4 दिन में ये चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं, निज़ाम की चीज़ें हैं देखिए। मैं खलिया पत्थर का गोश अपना, फिर बोले तो पसंदे, कोफ्ते, शामिया, ये पूरे चीज़ें, तो अब ये डाल रही हूँ देखिए हरा मसाला डाल रही हूँ मैं, दम पे रख रही हूँ 1-2 मिनट दम पे रख के निकाल के बताती हूँ आप लोगों को। तो ये चीज़ें रहते देखिए ये पूरे सालनों के, अपना तिल फली ये चीज़, तिल फली अपना, फिर बोले तो खोपरा,
ये इसके चीज़ें रहते हैं अपने को, मैं खाली कि उसके चीज़ें रहते अपने बगैर बैगन को कैसा बनाते, मच्छी को सालन को, वही चीज़ें रहते देखिए। तो होगा अब मैं निकाल के बताती हूँ आप लोगों को, इतना ज़बरदस्त और खाने में इतना मस्त रहता, कुछ पूछना नहीं। ये देखिए मैं मीडियम इसका रखी, देखिए एकदम घट भी नहीं रखी मैं खाली। अपन चावल के साथ भी खाए तो भी आता अपने को, रोटी के साथ खाए तो भी आता, ज़बरदस्त रहता, बहुत मस्त और बहुत मज़े का रहता। इन्हें दिख रहा ऐसा चटपट ना, तो खाने में भी उतना ज़बरदस्त रहता है, मसालों का रहता है कि क्या नहीं, कि इतना ज़बरदस्त रहता। अपन राई थोड़ा, फिर बोले तो कलौंजी वो डालते ना, इसके अंदर मसाले डालते ना, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मस्त रहता। देखिए इंशाल्लाह आप लोगों को पसंदों का भी बना के बताऊँगी मैं। लाइक करिए फराना कुकिंग चैनल को, शेयर करिए।